वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। बिहार में सियासी संग्राम छिड़ा हो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के साले अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव और सुभाष यादव का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। खासकर साधु यादव के नाम की गूंज तो जरूर सुनाई देती है, क्योंकि साधु यादव बिहार की सियासत के एक ऐसे दबंग खिलाड़ी हैं जिनका विवादों से खासा याराना रहा है। लेकिन यहां हम साधु यादव के चुनाव लड़ने पर नहीं, बल्कि साधु यादव, सुभाष यादव और लालू यादव के बीच खड़ी कड़वाहट की दीवार का जिक्र करने जा रहे हैं। वो कहानी आपको बताने जा रहे हैं जो शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। क्या आप जानते हैं कि साधु यादव और सुभाष यादव का अपने जीजा लालू यादव के साथ पहली बार किस बात को लेकर टकराव हुआ था? आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से जीजा और सालों के रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो गई थी? कहा जाता है कि पहली बार पार्किंग विवाद को लेकर लालू यादव और उनके साले साधु यादव और सुभाष यादव के रिश्तों के बीच दीवार खड़ी हो गई थी। दरअसल आरजेडी की सरकार के दौरान लालू यादव के आवास पर वीआईपी पार्किंग स्लॉट से लालू यादव के साले सुभाष यादव की कार को हटा दिया गया था। इस घटना के बाद से ही लालू यादव और उनके साले साधु यादव और सुभाष यादव के रिश्तों में टकराव शुरू हो गई थी। ये टकराव उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई जब 2005 के विधानसभा चुनावों में लालू यादव की पार्टी ने साधु यादव की पत्नी इंदिरा को टिकट नहीं दिया। उसके बाद से ही साधु यादव ने विद्रोह कर दिया था। 2005 के विधानसभा चुनाव में साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव गोपालगंज से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार गई थी। वहीं लालू यादव के दूसरे साले सुभाष यादव ने भी 2005 के विधानसभा चुनावों में गोपालगंज जिले की मीरगंज विधानसभा क्षेत्र से अपनी पत्नी रेणु देवी को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा था और वो भी चुनाव हार गई थी। ऐसे कई मौके आए जब साधु यादव ने लालू यादव के लिए असहज करने वाले हालात पैदा कर दिए थे। करोड़ों के बाढ़ राहत घोटाले में भी साधु यादव का नाम शामिल है और इस मामले में उन्होंने आत्मसमर्पण करके जमानत तक ली थी। शिल्पी जैन हत्या मामले में भी सीबीआई का शिकंजा साधु यादव पर कसा था। ऐसी ही कई घटनाओं और मन माफिक टिकट न मिलने के चलते साधु यादव और सुभाष यादव के अपनी बहन और जीजा से रिश्ते खराब होते चले गए। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब साधु यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तब से साधु यादव बिहार में कई पार्टियां बदल चुके हैं। आरजेडी छोड़ने के बाद साधु यादव निर्दलीय कांग्रेस और बसपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं। 2019 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव बसपा के टिकट पर लड़ा और हार गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में साधु यादव ने एक बार फिर गोपालगंज से हुंकार भरी है। लालू यादव के दूसरे साले सुभाष यादव के बारे में चर्चा है कि उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली है। तो ये थी लालू यादव और उनके सालों के रिश्तों के बीच खड़ी दीवार की वो कहानी जो पार्किंग विवाद से शुरू हुई और अब तक जारी है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।